फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस में बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एसएससी, पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दूध जो है ये विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, और बाकी आम, गाजर और पपीता, यानी ये तीनों क्या हैं, ये विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव के बाल तथा नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केराटिन प्रोटीन जो है ये मानव के बाल तथा नाखून में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, और बाकी प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन, यानी इन तीनों का निर्माण जो है ये हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मूँगफली जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये बनी होती है फास्फोलिपिड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अमीनो अम्ल की आवश्यकता जो है ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जाइमेज एंजाइम जो है ये ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हार्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में निम्नलिखित में से किस कवक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सैक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग जो है ये डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इटाई इटाई जो रोग होता है ये शरीर में कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फास्फोरस 32 का उपयोग जो है ये रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जेनेटिक कोड के लिए जो है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग जो है ये व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ग्लाइकोजन जो है ये मानव शरीर के यकृत में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हेलोफाइटस कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी थाइमस ग्रंथि जो है ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई जो है लगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बीटा कोशिकाओं से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सोयाबीन में जो है ये प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए जो रासायनिक जो उत्तरदायी पदार्थ है वो है एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्पर्मोलॉजी में ये बीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी रक्तदाब का नियंत्रण जो है ये अधिब्रेक यानी एंड्रिनल ग्रंथि करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये स्रावित होता है एंड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एंड्रिनलिन हार्मोन जो है ये लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एस्ट्रोजन जो है ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है ये संपन्न होता है छोटी आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आँखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है ये होती है नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हरी पत्तेदार सब्जियों में जो है ये सबसे अधिक आयरन यानी लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत जो है हिलने लगता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विटामिन सी के कमी के कारण से जो है मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत जो है हिलने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मानव त्वचा का जो रंग होता है वो होता है मेलोलिन के कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो पादप हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तितली की आंखें निम्नलिखित में से किसके कारण रात में चमकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी टेपिटम लूसिडियम के कारण। ठीक है, टेपिटम लूसिडियम के कारण जो है ये तितली की आंखें रात में चमकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछा गया था, भारी जल की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारी जल की खोज जो है ये की थी एच यूरे ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है स्तनधारी प्राणी नहीं है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी वेल या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।